वेलकम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को रीड करना शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है माय चाइल्डहुड। दोस्तों, ये जो चैप्टर है ये एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि बहुत बड़े इंडियन साइंटिस्ट, यहाँ तक कि हमारे देश के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, उनके बचपन की कहानी है। दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम ने खुद ही पर एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था विंग्स ऑफ फायर। वो जो पूरी बुक थी उसी का एक छोटा सा पार्ट है ये माय चाइल्डहुड चैप्टर। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम एपीजे अब्दुल कलाम और उनकी फैमिली को जानना शुरू करेंगे। तो देखिए, उन्होंने हमें बताया है, आई वॉज बॉर्न इन टू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द अर्स्टवाइल मद्रास स्टेट। यानी कि जो एपीजे अब्दुल कलाम है वो एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में पैदा हुए। वो जहां पर पैदा हुए वो जगह का नाम है रामेश्वरम। दोस्तों, जो रामेश्वरम है वो आज तो तमिलनाडु में एग्जिस्ट करता है, पर उस टाइम रामेश्वरम का जो स्टेट था वो मद्रास कंसिडर किया जाता था। माय फादर जैन उलाब्दीन हैड नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। देखिए, उन्होंने हमें अपने फादर के बारे में बताना शुरू किया है। उन्होंने कहा कि उनके फादर का नाम था जैन उलाब्दीन। दोस्तों, जैसे कि देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम, जैन उलाब्दीन, इन नामों से हमें पता चलता है कि यहाँ पर वो मुस्लिम रिलीजन फॉलो करते थे। उनका जो रिलीजन था वो इस्लाम था। तो देखिए, अब यहाँ पर वो हमें कह रहे हैं कि उनके जो फादर थे वो कोई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, उनके पास बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं थे, फिर भी डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस ही पोजेस्ड ग्रेट इननेट विजडम एंड अ ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट। कि ये सारे डिसएडवांटेजेस के बावजूद भी उनके अंदर बहुत ही अच्छी अकल थी, विजडम, उनके अंदर समझदारी बहुत अच्छी थी, और जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट मतलब कि वो बहुत ज्यादा काइंड थे, हर चीज को सोच समझ कर सही तरीके से करते थे। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर। अब यहाँ पे दोस्तों, उन्होंने अपनी मदर को इंट्रोड्यूस किया कि उनकी मदर का नाम था आशी अम्मा। अब आशी अम्मा के फ्रेंड बहुत अच्छे थे उनके फादर, बेसिकली वो एक बहुत अच्छा पेरेंट्स का बॉन्ड शेयर करते थे। I do not recall the exact number of people she fed every day. देखिए, अब यहाँ पे बताया गया है कि एपीजे अब्दुल कलाम की जो मदर थी आशी अम्मा, वो एक दिन में कितने लोगों को खाना खिलाती थी इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। But I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. तो देखिए, वो कह रहे हैं कि हमारी फैमिली में जितने भी मेंबर्स थे उनसे ज्यादा लोगों को मेरी जो मदर थी, मतलब कि आशी अम्मा, एपीजे अब्दुल कलाम की जो मदर है, वो उनको खाना खिलाती थी, वो भी रोज। यानी कि दोस्तों, यहाँ पे वो अच्छे काम बहुत ज्यादा करते थे, बहुत सारे लोगों को खाना खिलाते थे, ये बहुत अच्छी बात होती है। आई वॉज वन ऑफ मेनी चिल्ड्रन, अ शॉर्ट बॉय विद रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, born to tall and handsome parents. तो देखिए, अब यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम खुद को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो कोई बहुत अलग बच्चे नहीं थे, सिंपली बहुत ही छोटे बच्चे थे जिनकी लुक्स कुछ खास नहीं थी, बस वो एक छोटे बच्चे जो कि लंबे और हैंडसम पेरेंट्स के साथ पैदा हो गए थे। यानी कि यहाँ पे वो खुद के पेरेंट्स को भी डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो बहुत ही लंबे और हैंडसम थे, पर जो एपीजे अब्दुल कलाम है वो कोई ज्यादा अच्छे नहीं दिखने में थे और बहुत ही छोटी उनकी हाइट थी। We lived in our ancestral house. अब यहाँ पे दोस्तों, वो जिस घर में रहते हैं वहां पे उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी रहा करते थे, यानी कि बहुत ही पुराना घर है जिसके अंदर वो रहते हैं। Which was built in the middle of the 19th century. यानी कि दोस्तों, 1850s के आसपास वो घर बनाया गया था। It was a fairly large पक्का house. अब यहाँ पे जो उनका घर है वो कोई कच्चा घर नहीं था बल्कि पक्का घर था। Made of limestone and brick. यानी कि जो प्रॉपर दोस्तों सीमेंट होती है, लाइमस्टोन, ईंट, उसके साथ एक अच्छा घर बनाया गया था। On the mosque street in Rameshwaram. यानी कि दोस्तों, रामेश्वरम में कोई mosque street है, वहाँ पे इस एपीजे अब्दुल कलाम का घर है। My austere father used to avoid all inessential comforts and luxuries. यानी कि दोस्तों, जो एपीजे अब्दुल कलाम के फादर थे जिनका नाम था जैन उलाब्दीन, वो ज्यादा लग्जरीज, ज्यादा जो कम्फर्ट्स होते हैं लाइफ के, उनमें बिलीव नहीं करते थे, बहुत ही एक सिंपल लाइफ वो जीते थे। However, All necessities were provided for in terms of food, medicine or clothes. यानी कि दोस्तों, बताया जा रहा है कि जो भी एक्स्ट्रा लग्जरीज होती हैं उसमें पैसा नहीं स्पेंड किया जाता था, पर यहाँ पे जो necessities हैं, जैसे कि यहाँ पे खाने की बात हुई, medicines, clothes, इन चीजों पर पैसा जरूर खर्च किया जाता था, अच्छी क्वालिटी की चीजें खरीदी जाती थी। In fact, I would say mine was a very secure childhood. Both materially and emotionally. यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम का जो बचपन था काफी सिक्योर था, वहाँ पे घर में काफी सारी फैसिलिटीज भी थी और इमोशनली भी वहाँ पे बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था, कोई भी उनके बचपन में प्रॉब्लम नहीं आई। The Second World War broke out in 1939. When I was 8 years old, वो बता रहे हैं कि जब वो सिर्फ 8 साल के थे, दोस्तों सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था 1939 में।
फिर क्या हुआ? For reasons I have never been able to understand, a sudden demand of tamarind seeds erupted in the market. अब वो कह रहे हैं कि जैसे वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ, पता नहीं कैसे, मैं ये चीज कभी नहीं समझ पाया, पर जो भी मार्केट है वहां पे टैमरिंड यानी कि दोस्तों जो इमली होती है, इमली की जो सीड्स है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा एकदम इंक्रीज हो गई. आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप ऑन द मॉस्क स्ट्रीट. अब यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि जब वो छोटे थे वो उस इमली के सीड्स को कलेक्ट करते थे और किसी भी एक किराने की दुकान पर जाकर उसको सेल कर देते थे, उनको वहां पे पैसे मिलते थे. अ डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ वन अन्ना. एक दिन में वो जितने भी सीड्स को कलेक्ट करते थे फिर सेल करते थे, उससे उनकी वन अन्ना की कमाई हो जाती थी. दोस्तों वन अन्ना ये एक पुरानी टर्म है, आज के टर्म्स में अगर मैं कैलकुलेट करूं तो अराउंड 6 पैसे, दोस्तों 1 रुपीज में नहीं, 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं, तो अराउंड 6 पैसे उनको मिलते थे वो इमली के जो सीड्स हैं उनको कलेक्ट करके किसी प्रोविजन स्टोर पर सेल करने पर. माय ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani. तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि उनके जो ब्रदर इन लॉ थे, उनके कोई कजन ब्रदर थे दोस्तों जिनका नाम था जलालुद्दीन, वो उनको वर्ल्ड वॉर के बारे में जो कि चल रहा है उसके बारे में बड़ी सारी स्टोरीज बताते थे और एपीजे अब्दुल कलाम उन्हीं स्टोरीज को ट्रेस करते थे. वहां का कोई न्यूज पेपर है दिनामनी, तो वो दिनामनी की जो हेडलाइंस है वहां पे कोशिश करते थे कि उनको अलग अलग स्टोरीज वहां से मिल जाए कि आजकल वर्ल्ड वॉर में क्या चल रहा है. Our area being isolated was completely unaffected by the war. यानी कि दोस्तों यहाँ पे जिस एरिया में एपीजे अब्दुल कलाम रहते थे वहां पर वॉर की वजह से कुछ भी वहां पे अफेक्ट नहीं आया, सब कुछ नॉर्मली चल रहा था. But soon India was forced to join the allied forces and something like a state of emergency was declared. देखिए दोस्तों अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्योंकि उस टाइम ब्रिटिशर्स के रूल में था तो दोस्तों इसीलिए इंडियन सोल्जर्स को भी ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ने को कहा गया. तो जब ऐसा हुआ तो पूरे कंट्री में ऐसा लगा कि कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई है और अब धीरे धीरे असर दिखाई देने लगे थे कि वर्ल्ड वॉर की वजह से इंडिया पर भी कहीं ना कहीं अफेक्ट आया है. The first casualty came in the form of the suspension of the train halt at Rameshwaram station. अब दोस्तों वो कह रहे हैं कि यहाँ पे सबसे पहली चीज जिससे पता चला कि वर्ल्ड वॉर की वजह से रामेश्वरम में कुछ डिफरेंट हो रहा है वो दोस्तों चीज थी कि रामेश्वरम का जो ट्रेन स्टेशन था वहां पे अब ट्रेन रुकती नहीं थी, जो हॉल्ट था वो बंद कर दिया गया था, ट्रेन वहां से चलती चलती गुजर जाती थी, उस स्टेशन पर रुकना बंद हो गया था. The newspapers now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and Dhanuskodi. देखिए वो बता रहे हैं कि दो सिटीज हैं रामेश्वरम और धनुषकोडी, इनके बीच में जो रामेश्वरम रोड थी दोस्तों उस रोड पर न्यूज़पेपर्स को अब फेंकना पड़ता था. एक्चुअली हुआ कुछ ऐसा है कि यहाँ पे अब जो ट्रेन है वो ट्रेन रुकती नहीं है, वो ट्रेन चलती रहती है, स्टेशन पर रुकती नहीं है, तो इसीलिए ट्रेन में से जो न्यूज़पेपर आने होते थे अब वो न्यूज़पेपर को चलती ट्रेन में से बंडल करके फेंका जाता है. तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पे डिफरेंस बताया जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर की वजह से क्या चेंज आया रामेश्वरम में. That forced my cousin Samsudin, who distributed newspapers in Rameshwaram, to look for a helping hand to cash the bundles. तो देखिए अब वो कह रहे हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम के एक कजन थे जिनका नाम था Samsudin. वो दोस्तों रामेश्वरम में न्यूज़पेपर्स बांटने का काम करते थे. तो पहले तो वो रेलवे स्टेशन पर जाकर ट्रेन में से न्यूज़पेपर ले आते थे, पर अब क्योंकि ट्रेन रुकती नहीं है तो उन बंडल्स को कैच करना होता है, तो इसीलिए उनको एक हेल्पिंग हैंड की जरूरत थी. एंड एज ऑफ नेचुरली आई फिल्ड द स्लॉट. अब यहाँ पे वो काम एपीजे अब्दुल कलाम ने किया. दोस्तों क्या काम किया? Samsudin helped me earn my first wages. यानी कि दोस्तों वो जो चलती ट्रेन है उससे न्यूज़पेपर्स को जो कैच करने का काम है वो एपीजे अब्दुल कलाम ने करना शुरू किया अपने कजन ब्रदर के लिए, और उसकी वजह से उनको कुछ पैसे भी मिलते थे, वो उनकी एक तरीके से पहली कमाई थी. Half a century later, यानी कि दोस्तों अराउंड 50 years बाद की जा रही है, I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time. यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि 50 साल बाद जब मैं इतना बड़ा हो गया तब भी मुझे वो इंसिडेंट ध्यान है कि कैसे मैंने अपनी पहली कमाई करना शुरू किया. तो दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट पार्ट. हमने देखा यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम और उनकी फैमिली के बारे में कि यहाँ पे उनके जो फादर हैं, उनकी जो मदर हैं, उनके कजन ब्रदर्स, उनके बारे में हमने जाना. अब दोस्तों आगे हम बात करने वाले हैं उनके फ्रेंड्स के बारे में. हम देखेंगे कि एपीजे अब्दुल कलाम ये तो इस्लाम रिलीजन फॉलो करते हैं, पर जो उनके फ्रेंड्स हैं वो किस रिलीजन के हैं, क्या उस वजह से कोई वहां पे रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, हम उस चीज को समझेंगे और उनके स्कूल डेज की भी बात करेंगे. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा. तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर्स समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए पीयूस्टैक ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा. सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड पीयूस्टैक ऐप.